दोस्तों इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और ऐसे अपने हाथों को ऐसे पूरा जितना आप तान सकते हैं ऐसे तानते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। 5 सेकंड तक ऐसे ही रुके और श्वास छोड़ते हुए झटके से अपनी हथेलियों को नीचे की तरफ करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, कम से कम ऐसे ही 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लेते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे कम से कम 5 to 10 times क्लॉकवाइज घुमाइए और फिर एंटी क्लॉकवाइज। जितनी बार आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज आपने करना होता है। और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लें, हथेलियां ऊपर की तरफ करते हुए। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों पर रखें, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार करने के बाद कंधों के पार्श्व भागों से और फिर इसके बाद आपने अपने हाथ ऐसे रख लें और दूसरे हाथ को ऐसे अपने कनपट्टी के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने हाथों से सिर की ओर और सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं। 5 से 10 सेकंड तक रुकें। जिन लोगों के अक्सर गर्दन में चड़का सा पड़ जाए, गर्दन में दर्द की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर नीचे फिर दूसरी साइड से ऐसे अपनी हथेली को ऐसे अपनी कनपट्टी के पास रखते हुए अपने सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालिए। जिन लोगों को अक्सर सिर में दर्द की शिकायत रहती है, माइग्रेन, हर वक्त थकावट की शिकायत रहती है, उन लोगों ने इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे से ऐसे रख लें और हाथों से सिर की ओर और सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालिए। फिर आगे से ऐसे ही दोनों साइड से कम 4 से 5 बार करते हैं। और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रखकर ऐसे अब हम करेंगे ग्रीवा संचालन के अभ्यास को करेंगे। ऐसे अपने सिर को ऐसे राइट साइड ऐसे करते हैं, ऐसे सीधे देखिए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी आंखें खुली रहें, फिर सेंटर में फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही राइट लेफ्ट अप डाउन करते हुए करें। और फिर इसके बाद ऐसे अपने सिर को गोल गोल घुमाइए ऐसे 5 times क्लॉकवाइज। फिर सीधे तो इसके बाद हम करेंगे अर्ध चंद्रासना। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और फिर ऐसे घुटनों के बल खड़े हो जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास ऐसे रख लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कम से कम 10 सेकंड या 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास रखकर एक आरामदायक अवधि के लिए। और फिर सीधे ऐसे ही से कम 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे संतुलन आसन। सबसे पहले ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें और ऐसे
संतुलन आसन की पोजीशन पर आने की कोशिश करें। अपने शरीर को बिल्कुल सीधा करते हुए ऐसे सीधे देखते हैं, कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुके हैं, या फिर अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से एक फीट का ऐसे स्पेस रखकर इस अभ्यास को ऐसे ही कर रहे हैं और फिर साइड प्लैंक की पोजीशन पर भी आ सकते हैं। अगर आपके गर्दन में बहुत अधिक या कंधों में बहुत अधिक दर्द की समस्या है तो आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस ना करें, आप सिर्फ सूक्ष्म अभ्यासों को ही करें। अपने अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ सकते हैं। दूसरी साइड से ऑफिस के बाद आपने ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।